राजकोट के मीत और मयूर नाम के दो भाइयों की कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। ये दोनों बच्चे एक दिन सुबह से शाम तक अपने घर के बाहर बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। दोनों बच्चे भूख और डर के मारे बिलख रहे थे। तभी उनके पड़ोसी बिहारी शर्मा उनकी रोने की आवाज सुनकर उनके पास आए तो उन्हें बच्चों की बात सुनकर कुछ संदेह हुआ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बच्चे लोग बाहर बैठे हुए हैं। और उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद से घर का ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ गए। मीत और मयूर के पिता मनोज मीणा ने उनकी माँ को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। इसी बात पर हुए झगड़े में उनके पिता ने उनकी माँ का कत्ल कर दिया, अपने ही बच्चों को अनाथ कर दिया। आजा बच्चा। बच्चे घर से बेघर होकर अब बिहारी की बदौलत नारायण सेवा संस्थान के अपना घर में आ गए थे। जन्म देने वाले पिता ने मीत और मयूर का भविष्य अंधकारमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उन्हें अपना घर का साथ मिला और जिंदगी को एक नई दिशा मिली। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। शाबाश मेरे बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? मन लग गया तुम्हारा? देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। खेलने कूदने जाते हो क्यों? इधर देख बेटा, खेलने जाता है? जाओ एक काम करो, जाके पढ़ाई करना, ठीक है? जाओ बाय। जाओ जाओ जाओ। नमस्ते बिहारी जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं जी आप? बढ़िया। बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे? बच्चे बहुत होशियार हैं। ऐसे ही कई मासूम बच्चों को अपना हाथ दिया है नारायण सेवा।